नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आज काफ़ी लेट हूं, आज थोड़ा बाहर गया हुआ था और आके नहा धो के सोचा यार पूजा पाठ करके फिर वीडियो बनाएंगे फिर, क्योंकि जब ये तिलक नहीं होता ना तो फिर बहुत से भाई ये कह देते हैं कि भाई जी आज तिलक को नहीं, मेन बात आ रही है। तो सोमवार को बाजार भाव क्या कुछ रहने की संभावना है, इसी विषय को लेके मुख्य वीडियो अपनी आज की रहेगी। हालांकि आज के बाजार भाव कहीं कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज संडे था और संडे के कारण बाजार भाव आप सब साथी अच्छी तरह से जानते हैं कहीं कुछ भी नहीं होते हैं। तो जो साथी वीडियो देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर कर दें और थोड़ी सी चर्चा मानसून की कर लेते हैं कि आपके क्षेत्र में मानसून कैसा है, बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो कैसी हो रही है। तो लगभग अगर मैं बात करूं मानसून सत्र की, तो अगले सप्ताह आपको यानी कि कल सोमवार से कंप्लीट बारिश रहने की संभावना बढ़ सकती है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जो राजस्थान और पंजाब हरियाणा में जहां बारिश ना हो, मेरे अनुमान से कंप्लीट क्षेत्र में बारिश होने की संभावना है। बिल्कुल भाई साहब 15 मिनट लेट हूँ आज, तो थोड़ा खेत का निगेड़ा भाई जी के चक्कर में लेट हो लिया। तो सारे साथी एक जय जवान जय किसान कमेंट जरूर कर दियो, नरमा के भाव जरूर बताएं अगले महीने तक के। मंदी भाई अगले महीने नरमे में देखो तेजी के जो चांसेस हैं वो मेरे अनुमान से बहुत ही कम है। सिर्फ आत्माराम जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका। सिर्फ एक सरसों, अरंडी, जीरा, सोयाबीन और तारामीरा, ये फसल ऐसी है जिसमें आपको तेजी देखने को मिल सकती है। और गेहूं में 50-50% है, यानी कि 50% तेजी हो सकती है और 50% है नहीं भी हो सकती है, दोनों बात है। गवार की बात करूं तो गवार में हल्की फुल्की अगर तेजी हो जाए तो हो जाए, अन्यथा चांसेस नहीं है। लेकिन चने की बात करूं तो चना एक ऐसी फसल है जिसमें MSP रेट मिलने की पूरी पूरी संभावना है, यानी कि MSP रेट तक बिकने की संभावना है। तो मेरे अनुमान से चने में सुधार हो सकता है। कुल मिला के जिन फसलों में तेजी की संभावना है मैंने इस वीडियो में अब तक बता दिया। अब अपने चर्चा करेंगे आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है। मेरे क्षेत्र की बात करूं तो कम से कम पिछली बारिश मिला इस बारिश को मिला के 25 से 30 आंगड़ बारिश है। अगर हम बात करें MM की तो भाई 15-20 MM बारिश तो आराम से होगी। गवारे का बीजान हो चुका है, मूंगफली का बीजान हो चुका है, मूंग का बीजान हो चुका है, लगभग सारी चीजों का जो बीजान है वो कंप्लीट हो चुका है। गवारा अच्छी स्थिति में खड़ा है, खरपतवार खूब उग रहा है, नरमे की स्थितियां भी यही है। जिन साथियों ने एरो घुमा लिया उसका तो घूम गया, बाकी का कचरा चक्री चढ़ा गया। कुछ एक वीडियो ऐसी होती हैं जिनमें आप लोगों की ये डिमांड रहती है कि भाई वीडियो में अगले का कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दिया करो। साथियों वीडियो ऐसी होती है जो सामने वाला ये बात कहता है भैया मेरे कॉन्टेक्ट नंबर देने की जरूरत नहीं है। जी सर आज 15 मिनट लेट हूँ, आज सोचा थोड़ा बिजी था, आज बारिश बुरिश के कारण खेतों में थोड़ा सा काम था, तो फिर मैंने कहा नहा धो के पूजा पाठ करके फिर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आज स्थिति थोड़ी ज़्यादा थी, कीचड़ में लिबड़ा हुआ था तो वीडियो बनाने के लायक में नहीं था आज का। हमेशा तो क्या अगर स्थिति ऐसी हो तो ऊपर की ड्राई क्लीन करके वीडियो बना लेते हैं, लेकिन आज स्थिति नहीं थी। कुल मिला के बात करूं तो इस हफ्ते में बड़ी तेजी आपको देखने नहीं मिलेगी। सोमवार को जो अपना हफ्ता खुल रहा है भाई जी, मेरा तो 2 फीट बारिश है, वाह खूब है जी 2 फीट बारिश है। तो जहां ज्यादा बारिश है आप अपने ट्यूबवेलों में पानी डाल सकते हो, यानी कि ट्यूबवेल को रिचार्ज कर सकते हो। साथियों बहुत ही सुनहरा अवसर है, और आप एक ट्यूबवेल में पड़ोसी पड़ोसी का पानी भी डाल सकते हो। हर व्यक्ति को जरूरत नहीं है कि हर व्यक्ति ट्यूबवेल में पानी डाले, और ट्यूबवेल को रिचार्ज कैसे करना है उसकी वीडियो हमने यूट्यूब पर डाली हुई है। वो वीडियो अगर आप देखोगे तो मेरे विचार से आपको पता चल जाएगा कैप्टिव वाले ट्यूबवेल में भी अपने पानी डाल सकते हैं
और समर्सिबल ट्यूबवेल में भी अपने पानी डाल सकते हैं। दोनों ट्यूबवेल की पानी डालने की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सारे साथी जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र का नाम और कितनी बारिश हुई है, कितने एमएम, कितने सेंटीमीटर और कितने अंगुल बारिश हुई है, वो चीज़ ज़रूर बताएं। आत्माराम जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका भी, आज तो स्मार्ट लग रहे हो भाई जी, आज तो जरूर स्मार्ट लग रहा। हाँ, एक तो कलर देखो थे पाटड़ा टेंका देड़ा आल कौन लाग रहे हो भाई, थाना दिस है ना जी, आप ही स्मार्ट आज तो बाकी स्मार्ट को देखो एक रीज़न है, एक कारण है। अगर बैकग्राउंड को लाइट जल जाएगी तो स्मार्टनेस कम हो जाएगी, और बैकग्राउंड को अगर लाइट ऑफ हो जाएगी तो स्मार्टनेस बढ़ जाएगी। बस ये छोटी सी कारण है, छोटी छोटी ट्रिका अपना लें अभी पापा के थोड़ा स्मार्ट दिख जाए। बाकी एक फ्रंट पर बल्ब लगा दियो आप, मैं था दिखाना भी चाहूँ बिंगा कारण के, एक तो लाइट को फोक्स भी पूरा है और चेहरो भी ये बल्ब के कारण चमके। बाकी आप स्मार्ट तो हाई हमको सखी को नहीं ग्वार सोमवार में 20 रुपए की तेजी होने की संभावना है, संदीप भाई का ये मानना है। हो सकता है 20 रुपए तो बड़ी बात नहीं, इतनी तेजी तो हो सकती है। कुल मिला के बात करूं तो आपसे उम्मीद ये रहेगी कि सारे साथी अपने अपने क्षेत्र का कमेंट जरूर करें। और मौसम का देखो भाई ऐसे है, मैंने इस बार अब तक कोई फसल नहीं बोई है, ओनली ज्वार के अलावा, पशुओं के लिए ज्वार बोई है, 7-8 बीघा ज्वार बोई है, ताकि बेसहारा पशु और गौ सड़ा के जो पशु हैं उनको भरपूर मात्रा में हरे चारे की उपलब्धता रहे। पंखा नहीं चल रहा, लारी कूलर चला ना रहे। और राजेश मील ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका। तो ज्वार बोई है, और ज्वार ईश्वर की देन और पशुओं गौ माता की देन ऐसी रही है, जैसी बारिश दिन दुगनी रात चौगनी बढ़वार कर रही है, तो अच्छा लग रहा है। अभी ज्वार है वो अच्छी प्रोग्रेस कर रही है और पशुओं को मिलेगा। चने का क्या रेट है? देखो चने का रेट है 4500 रुपये से लेके 4800 रुपये तक, और MSP रेट मिलने की संभावना है, अर्थात ये है कि चने में तेजी हो सकती है 200 से 300 रुपये। और पंजाब के किसानों के लिए तो खुशखबरी है ही कि भाई जिन किसानों ने मूंग MSP दाम से नीचे बेचा है उन्हें गवर्नमेंट MSP दाम पे खरीद करेगी, अर्थात जिसका माल बिक चुका है उसे भी पैसे दिए जाएंगे जितना क्विंटल उन्होंने माल गवर्नमेंट को बेचा है। काश भगवंत मान के मैंने वीडियो देखे हैं भाई, खूब देखे हैं पिछले 3-4 दिनों से, खूब देख रहा हूँ वीडियो में, तो देखो उसकी बंदे की जो बातें हैं ना मेरे को खूब लगी, मस्त लगी, बहुत शानदार है भाई। गेहूं का क्या होगा सुनील जी? गेहूं का भी मैंने बताया है, शायद आप लेट जुड़े हो तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे खींचेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मतलब सारे साथी अपने अपने क्षेत्र का मौसम नहीं बताएंगे, चलो कोई बात नहीं भाई, नहीं बताएंगे तो अगले 5 से 7 दिन अपने मानसून रहेगा, यानी कि जो ये मानसून है ये अगले 5-7 दिन तक अपने क्षेत्र में रहेगा, चाहे आप पंजाब से हैं, चाहे आप हरियाणा से हैं, चाहे आप राजस्थान से हैं। लालगढ़ जटान में पिछले एक हफ्ते में 4-5 उंगड़ बारिश हुई, बढ़िया बात है, 4-5 उंगड़ तो खूब है लगभग। तो आने वाले समय में तेजी मंदी बारिश मौसम और मंडी भाव के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। और कल हमने एक छोटे से किसान मेले का आयोजन हुआ, तो उस मेले में हम गए थे, उसकी हमने आज 2 से 3 वीडियो फेसबुक पेज पे अपलोड कर दी है, जिसमें जिंक का महत्व, धान में, कॉटन में सल्फर का महत्व, यूरिया DAP कितनी डालें, गुलाबी सुंडी का रोकथाम कैसे करें, इससे संबंधित अपने काफ़ी वीडियो हमने बनाई हैं, और जो वहाँ मेले में जो लेक्चर हुए हैं वो उसको रिकॉर्ड किया है, वो आपको यूट्यूब पे और फेसबुक पे देखने को धीरे धीरे मिलेंगे, तो वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और मेरे को आप मैसेज कर दो राजेश जी व्हाट्सअप फेसबुक पे, मैं आपको व्हाट्सअप का लिंक शेयर कर दूंगा और आप लिंक से जुड़ सकते हो। तो सारे साथियों से एक निवेदन ये भी रहेगा कि रोज़ाना की तरह अपने एक जय जवान जय किसान का कमेंट भी जरूर कर दें साथियों, ताकि बॉर्डर पे जो बैठे फौजी भाई अपने रक्षा में हैं उनके लिए एक दिल से सैल्यूट बने। और इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, मिलेंगे सुबह 9 बजे यूट्यूब चैनल पे, एग्रीकल्चर फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे, जिस पे आपको MC डेज के अनुसार सुबह क्या भाव ओपन हुआ है और कौन सी फसल में तेजी है, कौन सी फसल में मंदी है, वो सारी जानकारी आपको सुबह यूट्यूब चैनल पे अब मिल जाएगी। और उसके बाद अगली वीडियो आपकी रहेगी मूंगफली की खेती
कैसे करें, और जिन साथियों ने मूंगफली की बुआई कर दी है, जिनकी एक महीने की मूंगफली हो चुकी है, उसी विषय पे जल्द अपने YouTube चैनल पे वीडियो आने वाली है। जो साथी पेड़ पौधे लगाने चाहते हैं, जो साथी बागवानी लगाना चाहते हैं, उन साथियों के लिए मेरे YouTube चैनल और Facebook पे वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिसमें पूरे भारत में सबसे सस्ता आप पौधा कहाँ से खरीदें उसी विषय पे। भाई जी चोटा साइड में अभी तक नहीं हुई है, भाई माड़ी बात है, जो ना ही हो तो लगभग तो सारी जगह बारिश हुई है। तो भारत में सबसे सस्ता पौधा कहाँ से खरीदें, उससे संबंधित हमने सूरतगढ़ एनएससी फार्म और स्वरूप सर एनएससी फार्म की वीडियो बनाई है, जो कि सेंटर सरकार द्वारा संचालित है। वहां से आप बागवानी के पौधे ले सकते हैं, फूलों के पौधे ले सकते हैं, और कम कीमत में अधिक मात्रा में पौधे ले सकते हैं। जयपुर जंक्शन में बारिश है, धन्यवाद सर आपका। तो लगभग आपको मेरे YouTube चैनल पर सब्सिडी, मौसम और मंडी भाव, तेजी मंदी रिपोर्ट, बहुत सी जानकारी आपको मिलती रहेगी। सब्सक्राइब कर लें, जो आपको जरूरत के अनुसार वीडियो बड़ी हो वो आप देख लिया करो, बाकी आप छोड़ दिया करो। धन्यवाद साथियों।